बसमीमाना मोहरम एम्बेसडर सुहेल महमूद साहब डायरेक्टर जनरल आई एस एस आई माई फ्रेंड रिटायर्ड जनरल जुबैर महमूद हयात साहब एक्सलेंसीज़ डिस्टिंग अल्लाम मैं कोशिश ये करता हूँ कि उर्दू में बोलूँ ताकि अगर ये गुफ्तु कहीं बाहर जाए और टेलीविजन के ज़रिए जाए तो पाकिस्तान के मेरे दोस्त भाई हम सब की बातों को ज़्यादा समझ सकें तो शायद ट्रांसलेशन का बंदोबस्त है है जी थैंक यू वेरी मच ज़रूर कुछ ना कुछ बीच में से गायब हो जाता है वो बचपन में वो एक खेल करा करते थे विस्पर करने का कि एक बच्चे के कान में कोई बात कही जाए और वो सब विस्पर करते रहे और जब छठे सातवें तक पहुँचती थी, थी तो बिल्कुल बदल जाती थी तो ट्रांसलेशन के साथ भी इस बात का इम्कान है कि थोड़ी सी बदल जाए और कभी कभी दुनिया के मामला इस ट्रांसलेशन और इस समझ की वजह से भी ख़राब हुए हैं मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई बात ना कहूं जिससे ख़राबी का इम्कान हो मगर जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो आजकल टेलीविजन में देखते होंगे तो टॉक शोज़ के अंदर जो मैं कहता हूं और जो वहां पर बहस होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है मुझे खुद ख्याल नहीं होता कि ये मेरा मकसद ये भी था या नहीं था तो लिहाजा इंसान की कम्यूनिकेशन एक बड़ा आर्ट और साइंस है इसके अंदर अगर हमदर्दी के साथ अच्छी बात को पिक किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि कन्फ्यूजनस के अंदर इंसानी दूरियाँ और बढ़ जाती हैं और इंसानी दूरियाँ दूरियों का जिक्र आज मैं आपसे करूँगा तो एक तो मैं आपके थिंक टैंक को मुबारकबाद देता हूँ कि आप बड़ी एफ़र्ट्स करते हैं और मैं अम्बेसडर सोहेल हयात साहब से और बहुत सारे लोगों से मुसलसल ये गुफ्तू करता रहा हूँ कि तुम्हें देखता कौन है तुम्हें पढ़ता कौन है तुम्हारी मार्केट क्या है तो अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई एक तो मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स के साहब जब डीजी जी यहाँ पर हों तो एक बड़ा लिंक तो सबसे बड़ा लिंक ये है कि जब भी आप ये चीज़ें सोच रहे हों तो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के साथ आपकी सोच पहुँचनी चाहिए तो दिस इज़ वेरी गुड कि आपकी वजह से एक लिंक बनेगा बहुत सारे थिंक टैंक्स पाकिस्तान में मौजूद हैं मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च होती है उसका भी ताल्लुक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कम है आ, मगर ये कि आपकी एक कोशिश मैं सराहता हूँ और आ, मैं ये समझता हूँ कि तीन इदारे हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर डेलीब्रेट बड़ी अच्छी तरह से करते हैं और उनका लिंक आपस में बढ़ना चाहिए एक तो आ, कैफियत यह है कि एक इदारा तो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ॉरेन अफेयर्स है तो आपने कहा कि ये गैप हम ख़त्म करना चाहते हैं मैं मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ॉरेन अफेयर्स से ये भी कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिसर्च की थीसीज होती हैं उसके अंदर भी अगर उनकी क्वेरीज चली जाएँ तो बड़ी अच्छी इनपुट वहाँ से मिल सकती है एंड आई होप दैट एफर्ट इज़ बीइंग मेड दूसरा इदारा जो है वो पॉलिटिशन हैं और पार्लियामेंट है अच्छा इतफाक़ ऐसा है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो पॉलिटिशन इलेक्ट होता है उसका स्किल सेट ये होता है कि वो लोगों के साथ कैसे बात करता है कैसे रहता है कैसे उनके मसाइल हल करेगा कभी कभी ऐस ये इस स्किल सेट के साथ पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग के अंदर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है और यहाँ पर कुछ इदारे हैं पिप्स मिसाल के तौर पर आ, कि जिसके अंदर वो फिर एफिकेसी बिल्डअप की जाती है जैसे किसी में जैसे मिलिट्री में कोई भर्ती होता है तो उसको ट्रेनिंग दे देकर और उसको उस काबिल बनाया जाता है कि वो प्रोग्रेस करता रहे तो एक तो पार्लियामेंट है जहाँ तक आपकी सोच पहुँचनी चाहिए बट बींग इन पार्लियामेंट हैव बीन इन पार्लियामेंट के हवाले से मैं आपसे जिक्र करूं कि इसमें भी एक पैशनेट इनपुट की ज़रूरत है आ, मैं जब पार्लियामेंट में आया तो मैंने ये महसूस किया कि यार मैं तो आ, अपनी डेंटल प्रैक्टिस छोड़ कर यहाँ आ गया और यहाँ जनाब एक घंटे के अंदर कोरम कॉल हो गया और घर जाकर बैठ गया फिर या आधे घंटे में यह पता चला कि आज हो गई नहीं किसी वजह से और फारग बैठे या फिर इस तरह से कर लिया करते थे पार्लियामेंट वाले के दिन पूरे करने के लिए वो फ्राइडे को बुलाते थे एक घंटे के लिए सैटरडे संडे भी शामिल हो जाए उसके अंदर उनके टी के अंदर तो आई वॉज रिलेटिवली डिसअपॉइंटेड कि आई केम टू वर्क एंड आई फाउंड के, तो के माहौल इतना नहीं है जितना होना चाहिए इसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप एमर्ज हो सकती है जो ये काम भी पार्लियामेंटेरियन से कराए मगर आपके इनपुट का एक रास्ता पार्लियामेंट है दूसरा तीसरा रास्ता ये है कि हमारा डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट हम यूनिक जियो पोलिटिकल पोजिशन के अंदर हैं जिसमें हमारा नेबर हमें चैन से बैठने नहीं देता अफगानिस्तान के अंदर सुपर पावर राइवलरीज़ के अंदर हम मजबूरन घिसट गए उसके अंदर घसीटे गए सुपर पावर राइवलरीज जब यहाँ पर खेलेंगी तो ये हो नहीं सकता कि जो कौम करीब में हों वो उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो आप इसका असर वियतनाम पर देख लीजिए कि, कि कम्बोडिया लाओस एवरीवेयर इट हैपन्स यू you नो know, जिनके बॉर्डर्स पास हों तो हमारी डिफेंस इस्टेबलिशमेंट का एक बड़ा अच्छा रोल फॉरेन पॉलिसी में तो दैट इज़ द थर्ड एरिया एंड आई मस्ट अप्रीशिएट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वो भी ऐसा बहुत बड़ा काम करते हैं कि पॉलिटिशंस को इंगेज करते हैं और ये थिंकिंग बढ़ाएँ मेरा फोकस इस थिंकिंग पर क्यों है क्योंकि मैं कल कुछ दिन पहले तीन चार दिन पहले मैं एक महफिल में था जो गालिब और जोश आबादी और मीर के हवाले से अजरा रजा साहब और डॉक्टर अजरा रजाज़ हुकॉलोजिस्ट वो बोल रही थी और इतनी ख़ूबसूरत शायरी थी और बहर तवील का ज़िक्र था तो उसके अंदर भी जो ओवर चीज़ थी जो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि आप महफिलों के अंदर यकीनन नट्स एंड बोल्ट्स की बात करेंगे मगर इस इन नट्स एंड बोल्ट्स के अंदर अभी आते हुए मैं अब कर रहा था गाड़ी में भी कि आप रूटीन बात करेंगे मिसाल के तौर पर कश्मीर पर जो मैं कहूँगा वो आप कहेंगे तो मैं मैं लिहाजा कश्मीर की जरूरत के फैसले के हवाले से के होना चाहिए यूनाइट नेशन रेजोल्यूशन के अतबार से मगर आपकी नॉलेज में और आपकी थिंकिंग में कोई नई चीज़ नहीं ऐड कर सकता इसी तरह से पीस इन द रीजन यकिन आज आपकी फोरम्स के अंदर है द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एंड हाउ टू अचीव दैट उसके नट्स एंड बोल्डस का यकीन आप जिक्र करेंगे आपस में अफगानिस्तान के मामले में क्या अमन हो तो पाकिस्तान की तरक्की का कितना ताल्लुक़ है पाकिस्तान एज ए जियो इकनॉमिक पार्ट ऑफ अ रीजन वो पाकिस्तान की अब स्ट्रैटी जियो स्ट्रेटी से हट कर जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटी में तब्दील हुआ है वो फिर इंडिया की जो बिलिजरेंस है उसमें भी मैं कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता मगर रोजाना कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि कतर के अंदर उन्होंने ये किया कनाडा में ये किया इंडिया में ये किया इंग्लैंड में ये किया और जिस तरह से वो पाकिस्तान में कर रहे थे तो दुनिया उस पर सो रही थी तो यू ऑल विल रिपीट ऑल दोज थिंग्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू कि आपकी समख ना करूँ मगर कभी कभी अपनी ज़ात के अतबार से अपनी परेशानी का आपके सामने ज़िक्र करूँ तो शायद कोई एक वो एंगल आ, आ, के ऊपर मैं फोकस कर सकूँ जिसकी वजह से मैं ये समझ में नहीं आता कि ये चेंजिंग वर्ल्ड चेंज टू फॉर द बेटर हो रही है या फॉर द वर्स हो रही है अच्छा अब मुझे मैं पेसिमिस्टिक हो गया मिसाल के तौर पर मुझे बहुत दिनों से ये ख्याल आ रहा था और मुख्तलिफ आपकी महाफिल के अंदर मैं जब गुफ्तू करता था तो मैं ये कह रहा था कि यार पिछले सदी के अंदर जो जुल्म सितन और कताल हुआ है तो उसमें शायद कोई प्रोग्रेस हो रही हो मैंने पूरी लिस्ट बनाई कि किस ज़माने में कितने लोग मरे और करोड़ों की तादाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पाँच पाँच करोड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पाँच छः करोड़ फिर उससे पीछे आप जाइए अफ्रीका के अंदर वो किंग लियोपोल्ड टू था बेल्जियम का दस करोड़ लोग मारे उन्होंने वहाँ पर सिर्फ रबर प्लांट पता नहीं कौन सी प्लांटेशंस के हवाले से जो काम नहीं करता था पूरे पूरे गाँव उड़ाए जाते थे दस करोड़ लोगों को मारना आसान काम नहीं है बट दैट है वो एक मिसाल दे रहा हूँ इट हैपन थ्रू आउट इन अफ्रीका जो यूरोप के अंदर जंगें हुई सत्तर साल की अस्सी तीस साल की सौ साल की जंगें जिसके जिसके नतीजे में वेस्टफ़ेलियन ऑर्डर बना सोलह सौ अड़तालीस के अंदर शायद वो वेस्टफ़ेलियन ऑर्डर बना वो जंगे खुद इस बात की मिसाल हैं कि इंसान इंसान से कितनी गहरी नफरत करता है इज़ सरप्राइजिंग अच्छा फिर जिनके जहनों में ये बात थी कि चलो भाई साठ लाख यहूदी आ, मारे गए नाजी जर्मनी ने हिटलर ने तो ज़रूर कोई बात छुपी हुई होगी लोगों को नज़र नहीं आया इस वजह से ये हो गया पुराने वक्तों की बात मैंने मिसाल ये दी कि चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान निकले और जनाब बगदाद को तहस नहस कर दिया और जनाब लाइब्रेरी जला दी खून से दरिया लाल हो गए तो ये भी छः सात महीने बाद आठ महीने बाद या सालों बाद हिंदुस्तान में ख़बर आई तो लोग उसको देख नहीं सके बस खौफ से दहल गए होंगे मगर देख नहीं सके ये जो एक बच्चा मेडिट्रेन के अंदर सीरियन बच्चा डूब गया था जिसकी इमेज आई तो सबके दिलों के लिए बड़ा तकलीफ दे था तो मेरे जहन में ये बात थी कि जो वियतनाम में हुआ माई लाई मसाकर जो कुछ भी हुआ वियतनाम के अंदर जिसके ऊपर आप अभी फरमा रहे थे निजी गुफ्तू के अंदर कि जो गज़ा के अंदर हुआ इसका कोई वॉर क्राइम्स के एतबार से सोचा जाए जो वियतनाम में हुआ जिस अंदाज से 45 पचास लाख आई डोंट द एग्जैक्ट फिगर बट आई यूजली फॉर दीज महाफिल आई कैरी द होल एंटायर लिस्ट ऑफ किलिंग्स विच हैव हैपन इन द लास्ट हंड्रेड टू हंड्रेड ईयर्स तो उसके ऊपर एक ट्राइब्यूनल बना नहीं बैठा नहीं सजेस्ट किया गया और उसके दो लोग दो लोगों ने लीड किया बर्टन रसल ने और यान पॉल सास्त्रे ने और उन्होंने कहा जी वॉर क्राइम स्टाइल होना चाहिए तो सारे मीडिया ने जो आजकल मीडिया दुनिया के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ भी बेच सकता है उस मीडिया ने कहा ये सठिया गए हैं दीज आर सीनाइल पीपल उनका मजाक उड़ाया गया और बात ख़त्म हो गई तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कुछ लैटिन अमेरिका में हुआ जो कुछ अफ्रीका में हुआ हो रहा है डोंट क्लोज योर आइज टू वॉट इज हैपनिंग जो इसकी नोम uh, चाम्सकी की बड़ी अच्छी किताब है हु रूल्स द वर्ल्ड बल्कि बाद जगहों पर मैंने उसका रशियन ट्रांसलेशन भी अपने दोस्तों को बाहर भेजा वो भी पढ़ें कि वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अच्छा इसका मतलब कि जो भी आप रूल्स बनाएंगे उसको अंडरमाइन किया जाएगा अच्छा इस बेसिस पर कोई रूल्स की तरफ आप फोकस कर सकते हैं एवरी रूल इज बींग अंडरमाइंड अगर प्रिजन ऑफ वॉर का कानून था जनीवा कन्वेन्शन्स में तो ग्तान को स्पेशल एक्सेप्शन बनाकर वहाँ पर उनको स्टेटलेस इन इंडिविजुअल्स करार देकर सारे रूल्स ऑफ द वर्ल्ड जो आप अब तक प्रेस करते थे और करते थे कि भाई दिस इज़ दीज़ आर द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड दो रूल्स ऑफ द वर्ल्ड अंडर माइंड और इस वजह से समाखराशी आपकी होगी बाज़ लोगों ने अगर मुझे पहले सुना हो तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब यूनाइटेड नेशंस बन रही थी तो उससे पहले टोल ने ही वॉज ड्राफ्टेड नॉट ड्राफ्टेड ही सेल्फ ड्राफ्टेड हिम सेल्फ इन रशियन आर्मी वो क्रीमियन वॉर में रशिया की तरफ से लड़ने गया और वो हसास आदमी जो नावलें लिखता है एन्ना कैरेना उसकी किताब है वो हसास आदमी ने ये तमाशा देखा कि जनाब बदबू खून की कत्ल हाथ कटे हुए जिसम चीथड़े बने हुए हैं और एक दिन सफ़ेद झंडा इसके साथ कोई निकलता है और सब लोग हाथ मिलाते हैं और सबको दफन करते हैं और भूल दूसरे दिन से फिर शुरू हो जाते हैं तो ही कुड नॉट इमेजिन क्या दिस कैन हैपन देखिए मैं इस वजह से आज अपनी गुफ्तू में आपकी आपके इंटरनेट को चैलेंज कर रहा हूँ और इस वजह से चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट चैलेंज हुआ हुआ है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट जब मैं होप के साथ ये बिल्ड करता हूँ अपनी सोच को कि जी एक ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर ये यूरोप की जंगों के नतीजे में बना मैं बात इधर से उधर चली जाती है मैंने आपसे इतनी सारी बातें करनी है कि सम टाइम आई लूज माय ओरिजिनल थ्रेड तो ये जो टोल वाली बात थी तो वहाँ पर एक मूवमेंट चला नो वॉर का और एक ऑस्ट्रियन खातून थी आई फर्गेट द नेम वो टोल और बहुत सारे लोगों ने मिलकर नो वॉर का मूवमेंट चलाया है ये सिविलाइज वॉर का नहीं बल्कि यहां तक उन्होंने इतराज़ किया कि हेनरी ड्यूनांट जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस बना रहा था उसको नोबेल प्राइज मिल रहा था तो उन्हें कहा नहीं मिलना चाहिए हाउ कैन हाउ कैन यू सिविलाइज वॉर ये क्या तरीका है कि जंग करो मगर फिर मरहम पट्टी के लिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस चलाओ है तो दैट शुड बी अ नो वॉर सिचुएशन तो उसको हेनरी डोनाल्ड को नोबल प्राइज़ के ख़िलाफ़ जब उन्होंने मुहिम चलाई तो उनका एक पीस एक्टिविस्ट को फ्रांस के पीस एक्टिविस्ट को भी प्राइज़ दिया गया बट दैट वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट मुहिम ऑफ नो वॉर मैं वापस उस उस तरफ आना चाहता हूँ कि कौन सी जंग है मेरे दोस्तों भाइयों पिछले सौ साल की या दो सौ साल की कौन सी जंग है जिसके मुतल आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये जंग बिल्कुल सही थी और जिसमें इतने लोग मारे गए बिल्कुल सही मारे गए कोई जंग एक जंग का बता दें आप तो दैट मींस एवरी वॉर हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड औरतें बच्चे सबसे ज्यादा सफरर्स हैं व्हाट व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा हैज हैपेंड एवरीवेयर बट द डिफरेंस इज कि वो सीरियन बच्चे की तस्वीर जो थी उसने दिलों को हिलाया था और मुझ जैसा आदमी ये उम्मीद लगाए बैठा था कि गजा के अंदर जो हो रहा है ये इमेजरी दुनिया का दिल हिलाएगी बट डिडेंट हैपन सो आप मजीद रूल्स बनाकर कुछ ठीक कर लेंगे नहीं इट्स नॉट द फेलियर ऑफ रूल्स विच यू मेक इज द फेलियर ऑफ द मिस्ट इफ यू डू अंडर द रूल्स एंड द एक्सक्यूज ऑफ रूल्स यू मेक तो खैर ये जब यूनाइटेड नेशंस बनी तो इसके अंदर भी यही एक साजिश हुई जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं और वो बाकायदा साजिश थी उससे हम इस वजह से वाकिफ नहीं हैं कि हम नोमौलूद बच्चा पाकिस्तान ने अपने सारे एग्ज़ इन वन बास्केट दे दिए कश्मीर के मामले में जो चीज़ हम कर सकते थे वो हमने नहीं की और हमने सोचा ये कि इंटरनेशनल रूल्स की बुनियाद पर अव मतहदा की गोद में हम कश्मीर का मसला रखेंगे तो इसका हल निकल आएगा इट वॉज़ आर इनोसेंस प्रावली वाई वी डिड दैट इट वॉज इनोसेंस ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस बनी सैन uh, फ्रांसिस्को में उसका चार्टर अप्रूव हुआ सब कुछ हुआ वहाँ पर जब बेहस वीट और तो इंटरनल डिस्कशंस के अंदर ये बात कही गई कि जी इसके अंदर दो तीन क्लॉज ऐसे हैं जो पावर्स को ये इजाज़त देते हैं कि अपने इंटरेस्ट में दुनिया में कहीं भी जंग कर सकते हो तो द फर्स्ट फेलियर वॉज ब्रॉट इन टू द रूल्स इट सेल्फ क्या आपके इंटरेस्ट में आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में आप कहीं भी कर सकते हैं तेल आपके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में आप वहां जाकर जंग करिए कोई चीज आपके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में हो दस फ, मेरे मुल्क के शहरी दस फलाने मुल्क के अंदर हैं तो मेरा इंटरेस्ट है आई कैन क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ वॉर विद एनी बडी एक्चुअली मोर देन हंड्रेड वॉर्स बेस्ड ऑन दीज लूप होल्स ये लूपहोल्स हैं जहां लूपहोल्स नहीं है वा, आपने चेंज कर दिया तो आप अगर लैटिन अमेरिका देख लें फारिस देख लें कंबोडिया लाउस वियतनाम नाम लेते जाएं फिलीपाइंस वॉट वॉज द सेंस ऑफ डिवाइडिंग वियतनाम हंड्रेड दंड्रेड थर्टींथ पैरल एनी सेंस वाई पीपल डिवाइडल वर्गूमेंट डू पीपल लिहाजा एक चीज़ का और जिक्र कर दूं जिसकी बुनियाद पर मेरा जो एक्चुअल आर्गमेंट है वो मैं आपके सामने रख सकूंगा ये वेस्टफेलियन ऑर्डर जो सोलह के अंदर शायद दो ट्रीटीज़ हुई वेस्टफेलिया के अंदर वो हंड्रेड ईयर्स वॉर या सेवेंटी ईयर्स वॉर के बाद हुई उसके अंदर ये रिकगनाइज़ किया गया कि अब स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्रीज़ में आ जाएंगी तो नेशन स्टेट्स का तस्वुर वहाँ से उभरना शुरू हुआ पहले बाउंड्रीज ऐसी नहीं होती थी बस एक फलाना बादशाह था उसकी रेन थी तकरीबन यहाँ तक थी जो उसके नीचे आ गया वो उसका उसकी उसकी उसको टैक्स देता था जो कुछ भी करता था तो उन्होंने कहा कि दो चीज़ें तय कर लें एक तो ये कि नेशन स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर हथियार उठाएगा तो वो नेशन स्टेट उठाएगी और किसी के हाथ में हथियार नहीं होगा नंबर वन नंबर दो ये कि एक एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा इन दो बातों की बुनियाद पर इवॉल्व होता रहा मगर जंगें चलती रहीं अच्छा जंगें जो चली यूरोप के अंदर देखिए आज का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसकी तारीख यूरोप की तारीख से यानी उसका जो मेन केमिस्ट्री है वो यूरोप की तारीख से निकली तो वो यूरोप के अंदर जो जंगें हुई उसमें क्रिश्चियन वॉर्स भी हुई रिलीजियस वॉर्स कह लीजिए प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स की हुई विद इन कैथोलिक्स हुई फिर स्टेट जो थी मुसलमानों के यहाँ कोई थियोक्रेसी नहीं बनी ये जरा सा फ़र्क रखिएगा यू नो माय बेसिक कार्बन कम्स टू दैट मुसलमानों के यहाँ कोई थियोक्रेसी नहीं बनी वैसे मुसलमानों का कानून भी इमर्ज हुआ फ्रॉम कुरान सुन्ना एंड प्रैक्टिस ऑफ खुलफा राशिदीन एंड द कम्यूनिटी यू इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट और अगर आप लोगों को किसी को इस सिलसिले में ज़्यादा पढ़ना हो तो वाइल फलाख की एक किताब है हु uh, uh, कोलम्बिया में कहाँ हिज़ अर द इमपासीबल स्टेट उसके अंदर वो उसका तजिया करता है कि मुसलमानों के यहाँ कानून जो है वह स्टेट ने कभी नहीं बनाया मुसलमानों के यहाँ स्परिट फ्राम द कुरान सुनना प्रफेट एंड खुलाफा राशिदीन और उसके बाद मुफ्ती जो कम्यूनिटी में थे वो उनके पास मसाइल जाते थे और वो इन चार चीज़ों की बुनियाद पर फैसला करते थे या इस्तेद कर लेते थे एंड दैट इज़ हाउ इट है उस्मानी सल्तनत दौनली राइट ऑफ द स्टेट वॉज टू अपॉइंट द जज और काज़ी और आपने मशहूर क़िसा सुना होगा कि इमाम अबू हनीफा काज़ी नहीं बने उनको जेल में भेज दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया एंड आई थिंक ही डाइड इन जेल और वो इमाम यूसुफ उनके शागिद जब बने तो वो पूछने आए तो उन्होंने कहा तुम ज़रूर बनो क्योंकि पता नहीं कौन बन जाएगा मैं असूली तौर पर नहीं बन रहा और उन्होंने कहा कजी उन्होंने कहा जब काजी जब वो बादशाह ने उनको बुलाया कि आप चीफ काजी बन जाएं तो उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो बादशाह ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं हूं खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि मु, मुसलमानों के यहाँ तो ये कैफियत तो उस्मानी सल्तनत तक रही कि द लॉ वॉज नॉट मेड बाई द स्टेट बट इट इवॉल्व एंड द फैसले जो होते रहे आ, आ, उस एतबार उस से इंटरप्रेट किया जाता रहा यूरोप के अंदर ये हुआ कि जब नेशन स्टेट्स बनी उसके बावजूद जंगें चलती रहीं और क्रिश्चियज वॉर्स हुई और उसके अंदर द प्रिंटेड प्रेस द प्रिंट गुत वाला जो प्रेस बना उससे बड़ा फ़र्क पड़ा कि मार्टिन लूथर उसने जो पैम्फलेट्स निकाले बाईस ट्रीटाइज लिखी यहूदियों के खिलाफ आउट ऑफ हिज नाइन्टी और सो स्ट्रीटाइज ट्वेंटी टू अगेंस्ट द जूस यानी मुसलमानों का कोई इससे ताल्लुक नहीं है वट है अगेंस्ट द जूश जूर जूश पीपल बल्कि आई आई बीन मेकिंग अ क्लेम के द बिगेस्ट सिटी Uh, of the Jews was Bursa in Turkey, the biggest city of Jews. साहब वहां पर आकर पहना लेते थे तो मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रोटेस्टेंट uh, और uh, Catholics की जंगें हुई तो लिहाजा जब इन जंगों से तंग आकर और ये पूरे सौ डेढ़ सौ साल तीन सौ साल चलती नहीं, जब इन जंगों से तंग आकर यूरोप ने ने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया तो उसने कहा जी चर्च को अलग करो वी वॉन्ट टू बी सेकुलर चर्च का चर्च तो स्टेट के तौर पर बड़ा एक्सप्लोयड किया उसने बड़ा जुल्म किया तारीख भरी पड़ी है उस जुल्म से तो लिहाजा चर्च को अलग करो वी वॉन्ट टू बी सेक्युलर अच्छा द होप फॉर दैट सेक्युलरिटी वॉज के द लॉज नो पैशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म ये ह्यूमनिज्म विल टेक इट्स प्लेस गवर्न क्या करेगी फिर यानी डेमोक्रेसी जो है उनका एंकर क्या होगा फिर अगर हज़रत ईसा का गिविंग दी अदर चीक हज़रत ईसा की मोहब्बतों वाला हिस्सा बाइबल से नहीं अखज़ होगा और सिर्फ एक ज़ुल्म चर्च एक ज़ुल्म एज़ ए इंस्टीट्यूशन करेगा तो फिर कोई स्टेक नहीं रहा ना फिर इंसान का दिमाग ही बन गया अच्छा अब इंसान का दिमाग जब सोचने तो आया तो लोगों ने कहा कि इसमें ह्यूमानिटेरज़म आएगा इंसान की हमदर्दी इंसान को इंसान से मोहब्बत ये इरत होगी यूनाइट नेशनस में भी और हर एतबार से बट वट आई हैव सीन इट इज वेरी डिप्रेसिंग यानी मुझे ताजु हुआ अबू ग्रैब में अबू ग्रैब में जो प्रिजनर्स के साथ हुआ तो आई वॉज शॉकड मैंने ये कहा कि यार ये पढ़ा लिखा सोल्जर या सिविलियन पढ़ा लिखा वही जुल्म करे जो अनपढ़ के एतबार से होगा तो पहला नतीजा मैंने जिंदगी में अक्स किया विद लॉट ऑफ एविडेंस वो ये कि ताकत हाथ में होगी तो कोई कानून नहीं इंसान इंडिविजुअल आप स्टेट तो बात की बात है इंडिविजुअल ताकत जब हाथ में होगी तो कोई उसको कोई प्रिंसिपल उस पर लगते नहीं है बड़ा मुश्किल है इंसान को अपने ऊपर ताकत में काबू पाना ये हजरत अली का कॉल आपने सुना होगा कि किसी ने थूक दिया तो ही स्टप्ट फ्रॉम किलिंग दैट पर्सन इन अ वॉर ही जस्ट सेट आई डेंट वॉन्ट टू किल यू इन एंगर तो पहला जो असूल मैंने अपनी अपने अतबार से सोचा वो ये कि ताकत जो हो ताकत और अंधेरा अंधेरा खुलाजर मनशर गासिक नजावकब कि उस शर से अल्लाह मुझे बताए जो अंधेरे का शर है रात की तारीकी का शर है सो दैट मीनस दो चीजें एक ताकत और एक अंधेरा ये इंसान के जुल्म से इंसान को रोकती नहीं है एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग ओनली

नंबर वन वर्ल्ड की थिंकिंग पर आपका कोई असर नहीं है जब ह्यूमेनिटेरियन निकल गया तो अब मैं जब देखता हूं कि गजा के अंदर और इधर उधर क्या हो रहा है तो आई एम टू द सेंग ऑफ द कुरान कि एक इंसान को मार दिया तो समझो इंसानियत को मार दिया तुमने और एक इंसान को बचा लिया तो समझो इंसानियत को बचा लिया तुमनेज नॉट से क्रिश्चियन को मारा मुसलमान को मारा किसको मारा ये सारी इंसानियत के लिए है उस स्पिरिट के अतबार से जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया के अंदर वो स्पिरिट कम से कम मुझे सेकुलर थिंकिंग और ह्यूमेटेरियन स्ट्रेंथ अभी आई नहीं है तो इंसान के अंदर कब आएगी इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री पाँच हज़ार साल की और रीसेंट हिस्ट्री के अंदर आपने जंग व जदल और तबाही जो देखी है इट इज़ रिमार्केबल मगर एक साहब ने मुझे आप ही आप ही लोगों की एक महफिल के सिलसिले में मैंने कुछ लोगों को प्रेसिडेंसी में भी दावत दी तो उसके अंदर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इतने डिप्रेस ना हों जो कत्ल हो रहे हैं दुनिया के अंदर वो कम होते गए तो मैंने कहा चलो लेट मी रीड ऑन दैट क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि पढ़ आदमी अपने तवसुबात और बायस से निकले तो समबडी सजेस्टेड टू मी स्टीवन पिंकर स्टीवन पिंकर ने एक किताब लिखी है Uh, क्या नाम मैंने उसको अभी बैठे बैठे आपके साथ आ, बैठते हुए सोच रहा था कि उसका टाइटल लिख लूँगा द एंजल्स ऑफ आर बेटर नेचर समथिंग लाइक दैट और उसने इंसानी कताल की तारीखें लिखी उसने कहा कि जी कम हो गए पहला आर्गुमेंट उसने किया कि हज़रत आदम बीबी हवा, हाबील और काबिल एक मारा गया तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ह्यूमैनिटी वॉज किल्ड <laughs> उसके बाद उसके बाद प्रोपोर्शंस कम हुए तो व्हेन आई रीड हिम तो प्रोपोर्शंस वाकई आई आई बिलीव के प्रोपोर्शंस कम हुए मगर पेन बढ़ गई है क्योंकि उसकी नॉलेज इंसानों के अंदर जो कताल जो जंगें हो रही हैं उसकी नॉलेज बहुत बढ़ गई अच्छा फिर क्या करें सो so, आई आई बिलीव के नंबर एक तो इंसान को अगर मैं और आप अपने आप को देखें तो हम चार पांच चीज़ों से बनते हैं मेरी मोहब्बतें और वो मोहब्बत मेरे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं मेरे कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं एक ख़ूबसूरत बच्चा मासूम हरकतें करेगा तो सबके दिल से मोहब्बत निकलेगी प्यार करेंगे मुस्कुराएंगे हंसेंगे ये मोहब्बत फूल खुशबू हवा का झोंका और ये जो मैंने वहाँ पर कराची के अंदर जो अजरा रज़ा की शायरी और इंसान का ताल्लुक़ था उसके अंदर फिर दोबारा मैंने सीखा कि कितने खूबसूरत अंदाज़ से कुछ लोग अल्फाज को इस तरह से जोड़ देते हैं कि आपको तबस्सुम आपके चेहरे पर आ जाता है और दिल तक वो बात असर करती है ये जो इथास है गज़ल का शायद किसी और ज़बान में नहीं है मगर ये कि मैं सिर्फ लोगों से कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान को पकड़े रहो क्योंकि इसका जो ख़ीरा है वो इतना ख़ूबसूरत है कि इसमें से बहुत कुछ मिलेगा तो इंसान की मोहब्बत और मैंने इंसान की नफ़रत भी देख ली अब अच्छी तरह से देख ली मैंने ये भी देख लिया कि भाई भाई जब आपस में जायदाद पर झगड़ा करते हैं तो जायदाद तबाह हो जाती है उनके हाथ में नहीं रहती मगर वो नफ़रतें छोड़ते नहीं हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात के अंदर यही कैफियत मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है यकीन देर इज़ नो कम्पेरिज़न ऑफ कोर्स है ना मगर मैं गुफ्तू कर रहा हूँ इस वक्त के जब नफ़रत आ जाए जहनों में तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ बैठ कर दरगुजर करना जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था बहुत बड़ा दरगुजर सुलैदिया में किया मतलब ही वॉज़ गोइंग बैक टू अ सिटी जहाँ से उनको निकाला गया सब कुछ हुआ और फिर अल्लाह ताला की सुरह मायदा के अंदर वो आयत नाजिल हुई जो हज़रत यूसुफ पर भी नाजिल हुई थी आ, मैं बताऊँगा किस कॉन्टेक्स में वो आयत ये थी कि कहीं तुम अपने मैं आई एम ट्रांसलेटिंग इट्स डोंट कैच मी ऑन द स्पेसिफिक ट्रांसलेशन व्हाट आई रिकॉल कहीं तो तुम अपनी नफरत के अंदर इंसाफ का दामन मत छोड़ना वेरी इंपॉर्टेंट तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के गए तो ही वाज फुल ऑफ दरगुजर अच्छा कौमें बनती हैं दरगुजर से हैं आप ये देखिए कि दरगुजर डजेंट एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबा एंड द यू एस there is no forgiveness there is no end to the animosity look at the relationship within the with the us and iran wo jo incident hua tha embassy ke capture ka whatever there is no end to that yani koi next generation aakar kahe bhai let's repair our relationship doesn't happen अच्छा तो लिहाजा चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर दो तीन थ्रेड्स का आपसे जिक्र कर दूं अच्छा खैर मैं इस बात को complete कर लूं कि मेरा main uh, discussion जो था तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आई एम डिसअपॉइंटेड बाय ह्यूमन थिंकिंग एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑल द वॉर्स इन द लास्ट हंड्रेड इयर्स हैव बीन आल्सो फॉट बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां सोच विचार करके जंगे हुई हैं मैं किसको ट्रस्ट करूं फिर वो गालिब का एक शेर है ना इस और खजर के हवाले से हजरत खजर वॉज लुकिंग बोथ स्कंदर हजरत खजर वॉज लुकिंग फॉर इमोटैलिटी तो हजरत खजर फाउंड दैट पोशन एंड स्कंदर डाइड थर्टी टू तो गालिब का शहर है कि फिर एतबारिस किसका करे कोई है ना कहीं का भी एतबार जब बाकी नहीं रहा तो एतबारिस किसका करे कोई तो मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो ह्यूमन थिंकिंग विदाउट एन एंकर आई एम नॉट प्रोमोटिंग थ्योक्रेसी प्लीज़ सेपरेट दैट आई एम नॉट प्रोमोटिंग अ थोक्रेसी आई एम प्रोमोटिंग जस्ट द प्रिसिपल्स कहीं ना कहीं को आप एंकर कहें कि ह्यूमन थिंकिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंकर ही है अच्छा बाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है बाद जगहों पर हैप्पीनेस के मतलब फोकस uh, किया गया है मगर ह्यूमन थिंकिंग और एनिमोसिटी विल नॉट चेंज द वर्ल्ड अनलेस देर इज़ एन एंकर चाहे वो बाइबल से इंसानी मोहब्बत का एंकर हो चाहे वह कुरान से हो चाहे वह बुद्धज़म से हो आई हैव सीन कि इवन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर फिर जब जंग और जदल पर आते हैं तो आपने रोहिंग्या वालों का हाल देखा है ना उसके अंदर मंक्स भी ऐसे ही आ, फिर चाइना के अंदर जो जंगे बुद्धिस्ट लोगों के अंदर तारीख में उस एरिया के अंदर तिब्बत के रीजन के अंदर आप जाएं तो आपको नजर आएगा तो मेरा एक तो कहना यह है कि यू हैव टू हैव अ मॉरल एंकर इन द वर्ल्ड फॉर टुमारो नंबर एक नंबर दो थ्रेट्स बहुत हैं तो जो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ बस जस्ट लिस्टिंग दैम कि देखिए एक तो डेवलपमेंट हो रहा है मगर स्क्यूड है मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का डेवलपमेंट स्क्यूड था एंड इट लेड टू अ लॉट ऑफ पेन ठीक है जी डेवलपमेंट स्क्यूड है फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड फर्स वर्ल्ड इमिग्रेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वाई बिकॉज द सेकेंड वर्ल्ड में इतना जंगो जदल है इतनी तबाही है कि लोग मजबूरन फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं फिर आप दीवारें खड़ी करते जाइए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उन जगहों को हैंडल करजिए जहाँ अमन हो जहाँ डेवलपमेंट हो बराबरी के साथ पावर्टी बढ़ती जा बढ़ी नहीं बढ़ती नहीं जा रही कम हो रही है मगर स्टिल पेनफुल है और पावर्टी को अगर रिसोर्स की ज़रूरत है फ़र्श करो फूड आई एम गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल और आप जो स्ट्रेटजिक स्टडीज़ वाले हैं उनके जहन में ये सारी बातें आ जाएंगी कि द वेपन्स नहीं एक फलसफा इंसानी दिमाग की अख्तरा है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इंसानी दिमाग की अख्तर आए ना और इस पर डेवलप सोसाइटीज बिलीव करती रही सुपर पावर्स ने बिलीव किया जिनके पास हम जैसे दस हजार थिंक टैंक्स होंगे सब ने इस फलसफे पर बिलीव किया एंड यू नो हाउ मच हाउ मेनी वेपन द कॉस्ट ऑफ वेपन नंबर को छोड़ने तीस तीस हजार वेपन बना लिए न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के द क्वान्टिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वॉज इनफू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंडायर वर्ल्ड सेवन टाइम्स ओवर एट टाइम्स ओवर और ये था क्या था कि जी, तुम एक शहर पर करोगे हम दस पर करेंगे तुम दस पर करोगे हम सौ पर करेंगे back, you know तो इंसानी सोच की और ताकत की प्रायरिटीज क्या है अगर आजाद मादर पिदर आजाद विदाउट अ मॉरल एंकर और एथिक्स अगर मादर पिदर आजाद आ, आ, सोच डेवलप होगी तो यही होगी एंड वी केम वेरी क्लोज ट्वेंटी फोर इंसीडेंट्स और ट्वेंटी इंसीडेंट्स के न्यूक्लियर वेपन एक्सीडेंटली इंसानी दुनिया को तबाह कर सकते थे एक्सीडेंटली डेलीबरेटली तो छोड़ दें एक्सीडेंटली अच्छा अब इतना करीब हम आए मैं आपसे आपको चैलेंज कर रहा हूँ अब डेलिबरेशन शुरू हुई आई है फाइव ईयर्स द फर्स्ट टाइम सच अ थिंग वॉज पिकडअप वॉज इन अ बुक बाय एरिक बॉस्टम सुपर इंटेलिजेंस रिटन इन 2013 और 14 जब मैंने पढ़ी थी उसने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस बुनियाद पर चल रहा है ये दुनिया के लिए डेंजर बन रहा है तो आई विल नॉट गो ऑन दैट बट इट इज़ बींग रेकग्नाइज एज अ प्रति डेंजरस पॉसिबिलिटीज जैसे न्यूक्लियर वेपन्स की पॉसिबिलिटीज़ है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा है क्यों है न्यूक्लियर वेपन्स इंडिविजुअल्स और टेररिस्ट नहीं बना सकते थे और नेशंस के ऊपर पाबंदी लगाकर रोका जा सकता था तो बहुत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के एतबार से किसी हद तक दुनिया कामयाब रही अपने weapons, ये जो है तो लिहाजा वो टूल जो है न्यूक्लियर वेपन्स का वो आम आदमी के हाथ में मुश्किल से जाता ये टूल जो है ना ये आम आदमी के हाथ में जाएगा और खुफ़िया तौर पर जाएगा और आपको मालूम है सबसे डेंजरस चीज़ कि जब हिटलर ने सोचा कि इंसानी इंटरनेट को बेहतर किया जाए तो उसने एक प्रोग्राम शुरू किया कि एक टॉल वाइट ब्लू आइड पर्सन की शादी एक अच्छी खूबसूरत लड़की इंटेलिजेंट आदमी की शादी औरत के साथ की जाए और ये वो जिसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉर्न को किसी औरत ने कहा कि मेरी तुम्हारी शादी हो जाए तो इंटेलेक्ट तुम्हारा होगा खूबसूरती मेरी होगी तो उसने कहा कहीं उल्टा हो गया ना तो मामला ख़राब हो जाएगा <laughs> तो वो एक पास एक तरीका था कि जी इंसान को कैसे बेहतर किया जाए दूसरा तरीक़ा जो अब आएगा वो साइबर की पॉसिबिलिटी होगी कि कनेक्टिंग द ब्रेन टू द कंप्यूटर

तो लिहाजा दैट इज़ अ वेरी बिग डेंजर कि ये इंसान अपनी अहमकाना हरकतें करते करते अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय ना कर दे तो दैट डेंजर इज़ देर अच्छा इसके बाद मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि देन हाउ शुड पाकिस्तान प्रोसीड अच्छा इसमें मेरा एक होप है और एक ख्वाब है अच्छा और होप और ख्वाब ये जिसका मैं बार बार हर महफिल में ज़िक्र करता हूँ कि दिस इज़ अ अप्रोच योर अप्रोच इज़ अ मैटर ऑफ इंटेलेक्ट ये इस सोच का जो मैं आपके सामने रखी और आपकी सोच जो डेवलप हो सकती है वो इंटेलेक्चुअल है दुनिया को इस वक्त जरूरत है इंसाफ की दुनिया को इंसाफ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा किसी एतबार से चाहे वो कैपिटलिज्म का इंसाफ हो जिसमें क्या फिफ्टी बिलियनर्स आर मोर प्रॉस्परस ऑन मोर वेल्थ देन नाइन परसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ये इंसाफ है इस्लाम के अंदर जो दौलत का इरतक है वो ईवल है इट कर नॉट हैपन मजफून अल्लाह तो कहता है कि जो तुमको दिया गया उसमें से खर्च करो खाने को वो तो बात की बात है कि आप माल और दौलत जमा कर लें अच्छा तो एक वहां इंसाफ है जिसके अंदर वेल्थ क्यों होती जा रही है बढ़ गई है द स्क्यूइंग ऑफ वेल्थ पहले जो ऑयल जॉन्ट्स होते थे उधर होती थी चार दो आप दस पंद्रह ऐसे हो, लोग होंगे जिनके पास बहुत वेल्थ थी अब तो वो वेल्थ और आम आदमी के दरमियान ये फासला बढ़ा है अच्छा अनहैप्पीनेस की बुनियाद ये स्ट्रेस सोसाइटी के अंदर ये नहीं होती कि मैं भूखा मर जाऊंगा और इसके पास अरबों रुपए है स्ट्रेस ये होती है कि ये अनडिज़र्वड है इसके पास इतना है तो द स्ट्रेस इन सोसाइटी आर अट्रेमेंडस एक वो फ़र्क पड़ता पढ़, चला जा रहा है फिर मैंने कहा कि ए का, का खतरा बढ़ता चला जा रहा है इनवायरमेंट का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और इन सब खतरात के हवाले से मैं समझता हूं कि इंसान को अगर होश आए तो कहां से आएगा क्यूँ जो मैटर ऑफ इंटरनेट है वो तो कहीं से शुरू हो सकता है ना वाई नॉट see our थिंकिंग इज एज गुड एज एनी थिंकिंग थिंकिंग पर कोई यूएस एड की जरूरत नहीं है और फलाने एड की जरूरत नहीं है और फलानी चीजों की जरूरत नहीं है थिंकिंग इज समथिंग एक दुनिया को इंसाफ की जरूरत है और दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है और मैं ये समझता हूं कि मैं अपने घर को इस मुल्क के अपने घर को अपनी अकदार को एक मोहब्बतों वाला घर विदाउट पिकिंग अप द डाउन इन योर ओन सोसाइटीज यू कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट वुमेन मैं बड़ा खुश हुआ जब आपने बताया कि आपकी अक्सरियत वुमेन है तो मैं बड़ा खुश हुआ विदाउट वर्किंग अलॉन्ग विद वुमेन बहुत सारी चीजें जो एटीट्यूडनल चेंज है इसमें कोई साइंस नहीं है यू वेलकम द जो जो डाउन है ना उनको उठाए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत यतीमों के साथ थी जो डिसेबल्ड लोगों के साथ थी जो डाउन था जो प्रेशर में था औरत के साथ जो थी है ना दैट इज़ व्हाट द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान शुड बी मोहब्बत की स्पिरिट फर्स्ट यू कॉन्ट प्रोग्रेस इफ यू हेट ईच अदर इफ यू फाइट ईच अदर इफ़ यू डू नॉट रेडी टू एड्रेस यार घर नहीं चलता मियाँ बीवी नहीं चलते भाई बहन नहीं चलते तो मुल्क की बात और है अच्छा इसमें एडवांटेज आप ले सकते हैं ना इसमें इफ यू आर यू एक्सेल इन दैट यू हैव एमेंड एस एडवांटेज विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट तो अपने घर को मस्तकम करें है? अपनी अकदार को मुस्तकम करें फर्गिव करें दुनिया में आगे चलें मोहब्बत करें अच्छा और इन प्रिंसिपल्स को लेकर चलें जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर प्रिंसिपल्स दे एग्जिस्ट विदाउट दे एग्जिस्ट ओनली ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट है ना दे एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ पार जिसके पास जब बड़ी लाठी है ना वो इतनी जोर से मारता है उसको फिक्र ही नहीं चाहे वो रेमन डेविस हो चाहे जो कुछ भी हो उसको कोई फिक्र नहीं वॉट एवर दे वो आपके उसूलों को आपके आइन को आपके मामला को पामाल करता हुआ गुजर जाएगा पता नहीं आप तो गजा के अंदर देखें क्या है तो लिहाजा वेर दज होप लाई होप लाइज इन चेंजिंग इंसान अकॉर्डिंग टू फॉर मी देंकर इज कुरान एंड सुनना एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल

और जब आदमी ज़्यादा परेशान हो जाए ज़्यादा समझने लगे तो अलामिया भी समझता है कि इसका वक्त पूरा हो गया और उसका जवाल हो जाता है तो दिस इज़ द दिस इज़ द ह्यूमन काइंड ये दुनिया के असूल हैं मगर रूमी के अंदर मैंने ये एक चीज़ ये तलाश की और एक ये चीज़ मिली कि रूमी ने और मैंने रूमी को बहुत पढ़ा लेट इन लाइफ पढ़ा तो आई इंक्रेज यू ऑल क्योंकि इंसान मरक्ब है साइंस का जो तैयार करता है मगर असल मरकब अपने अपनी सोच का है मोहब्बत नफरत फोबियाज एवरी थिंग रिलेटेड टू दैट है ना इमोशंस का पैकेजिंग है ये पैकेजिंग आपको नजर आती है तो रूमी ने यह कहा कि सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करो अपने दिल को देखो दिल को खोलो दिल के अंदर अगर नफरतें हैं तो कम करो फिर दूसरे अपने घर वालों से मोहब्बत करो अपनी औलाद को मोहब्बत सिखाओ अपने घर वालों में मोहब्बत सिखाओ और ये कहने से नहीं होती है करने से होती है आप ये जहन में रखिए कि औलाद को आप नसीहतें अच्छी करते रहें और बाहर कुछ और करते रहें तो वो औलाद बड़ी स्मार्ट है आज की वो जानती है कि आप हैं क्या तो फिर वो कहता है कि अपनी औलाद के साथ अपने ख़ानदान के साथ मोहब्बत करो तीसरे वो कहता है कि अपनी अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत करो लाइक इन द स्परिट ऑफ द प्रॉफिट कि हज़ुर अक्रमली वसलम के चालीस घर तक एहतियात करो पता चले कि आ, क्या हाल है चौथे फिर वो कहता है कि अपनी कौम से मुहबत करो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से नफरत करो अपनी कौम से मुहबत करो पाँचवें फिर वो कहता है कि इंसानियत के साथ मुहब्बत करो दिस इज़ लाइक कार्ल वस्ट ऑफ़ यूंग आपने आ, सुना होगा उसका नाम ही वॉज़ अ ड्रीम साइकोलॉजिस्ट उसको जब इंसानियत इन, के साथ और नेचर के साथ मुहब्बत हुई क्योंकि छठी चीज डूमी की है कि तुम अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से मुहब्बत करो लिविंग नॉन लिविंग बादलों से पानी से पत्थर से हर चीज़ से मोहब्बत करो तो कार्ल गोस्ट ऑफ यूंग वन ही बिकेम वेरी फेमस इन द वर्ल्ड वो जेनीवा के बीच में एक आइलैंड था उसमें जाकर रह लिया बिजली से महरूम किया अपने आप को नेचर के साथ रहा और छठी चीज सातवीं चीज़ फिर रूमी कहता है कि फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो क्योंकि उनकी मोहब्बत में कायनात बनी और आठवीं चीज़ फिर रूमी कहता है कि फिर अल्लाह से मोहब्बत करो ये हो नहीं सकता कि तुम नीचे नफ़रतों का बाजार बनाओ कत कताल करो लोगों को मारो नफ़रतें पैदा करो और ऊपर तुम कहो कि मैं अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूँ नबी से मोहब्बत करता हूँ इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन अप तो लिहाजा आई मे नॉट गिवन यू मच टू डेलीवरेट ऑन दिस टॉपिक्स बट आई वॉन्टेड टू गिव यू अ पर्सनल एंगल जो परेशानी मेरी है शायद दुनिया की भी परेशानी वो हो लगता मुझे यही है शायद ना भी हो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन बहुत शुक्रिया आपका